हेलो, आई एम ऑडिबल। यस ओके, सर। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में कंपास सर्वे में लोकल अट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। लोकल अट्रैक्शन होता है कि जो आपकी कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल है वो आपके किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या किसी मेटल ऑब्जेक्ट की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाती है और कुछ हमारा डिक्लिनेशन आ जाता है, उसके अंदर कुछ एरर आ जाता है। तो उसको कैसे रिमूव करें, तो दो मेथड थे। एक मेथड जिसमें आपने इंक्लूडेड एंगल और इंटीरियर एंगल निकाल के सॉल्व किया था, उसको एक बार मैं ऐसे बता देता हूँ। उसमें क्या था, आपका लोकल अट्रैक्शन आपको निकालना था। लोकल अट्रैक्शन, आपको पेंट दिखाई दे रहा है? ठीक है, लोकल लोकल अट्रैक्शन रिमूव करके आपको करेक्ट बेयरिंग निकाली थी, जिसमें आपको गिवन क्या था, आपको फोर बेयरिंग गिवन थी और आपको बैक बेयरिंग गिवन थी। आपने क्या किया, जैसे 1 2 3 ऐसे आपको दी हुई है हर लाइन की फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, ये गिवन था न्यूमेरिकल में और आपको करेक्ट बेयरिंग निकालनी थी। तो इसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने इंक्लूडेड एंगल और इंटीरियर एंगल निकाले जिनका आपको इक्वेशन पता है कि बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करने के बाद आपने थ्योरेटिकल फॉर्मूला लगा के एक सम निकाला कि क्लोज ट्रेवर्स का टोटल समेशन ऑफ एंगल क्या होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90। एक क्लोज लूप का टोटल समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल इतना आना चाहिए। मान लो ये 540 आ रहा है, एन हो गया नंबर ऑफ एंगल्स, 540 डिग्री आ रहा है आपका थियोरेटिकल। लेकिन जब आपने कैलकुलेट करके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इन सबको सम किया तो एंगल आ रहा है 541 डिग्री, यानी कि एक डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो एक डिग्री का एरर है उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एंगल से। मान लो नंबर ऑफ एंगल है आपके, फॉर एग्जाम्पल 6 एंगल है, तो ये 1 डिग्री को 60 मिनट बोलेंगे हम, तो 60 by 60 यानी कि हर एक एंगल में 1 मिनट ज्यादा आ रहा है। तो हर एंगल से आप 1 मिनट माइनस करोगे क्योंकि टोटल सम आपका ज्यादा आ रहा है, तो हर एक एंगल से 1 माइनस कर दोगे 1 मिनट, तो सारे एंगल आपके करेक्ट आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपको गिवन है फोर बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग, आपको बैक बेयरिंग गिवन है। आपने एंगल निकाले इनकरेक्ट एंगल, ये इनकरेक्ट एंगल है। ठीक है, ये आपने निकाले एंगल ए, एंगल बी, फिर आपने करेक्ट एंगल निकाले एंगल ए, एंगल बी। ठीक है, करेक्ट एंगल कैसे निकाले वो भी पता लगा। अब आपको इक्वेशन पता है कि आपने है ना एक इक्वेशन लगाई थी एंगल निकालने के लिए, जिसमें एंगल इज इक्वल टू फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग था, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग था। वो इक्वेशन ये थी एंगल ए, ठीक है, उस लाइन की बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। अब आपको एंगल ए तो पता है, आपको करेक्ट हो गया है, एंगल ए करेक्ट है। इन दोनों में से एक चीज और करेक्ट मिल जाए तो थर्ड चीज हमारी निकल सकती है। अब वो कैसे पता चलेगा कि आपके जिस दो बेयरिंग के बीच का डिफरेंस 180 आ रहा है वो करेक्ट है, यानी कि ये वाली फोर बेयरिंग, ये वाली बैक बेयरिंग प्लस ये वाली फोर बेयरिंग। हमेशा याद रखना, दो बेयरिंग का फोर बेयरिंग और किसी लाइन की, किसी सर्वे लाइन की बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री अगर आ रहा है तो इसका मतलब तीन रीडिंग आपको करेक्ट मिल जाएंगी। एक तो उस लाइन की फोर बेयरिंग,
ये उस लाइन की बैक बेयरिंग, फिर अगली लाइन की फोर बेयरिंग, ये तीन रीडिंग करेक्ट होंगी आपके पास। ठीक है, अब एक ऐसा एंगल लो जिसमें एंगल हो, एक करेक्ट बेयरिंग हो, एक इनकरेक्ट बेयरिंग हो। तो जब एंगल आपके पास करेक्ट है और एक बेयरिंग करेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट बेयरिंग है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हम लोकल अट्रैक्शन रिमूव करके करेक्ट फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालते थे। ये न्यूमेरिकल पक्का आता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, कि जो समेशन आ रहा है, जैसे जो 541 आया था, 541 डिग्री, तो 1 डिग्री को डिवाइड करके नंबर ऑफ एंगल से जो आएगा वो माइनस करना है हर एंगल से। अगर 539 आता है तो इसको करेक्ट करने के लिए 1 डिग्री ऐड करना है। तो 1 डिग्री ऐड करना है तो हर एंगल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको, उतना ही इतना ऐड कर देना है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी गलती होती है। और एक गलती कहाँ होती है कि आप अभी जो मैंने बताया कि अगर अगर आपका दो रीडिंग, एक लाइन, एक सर्वे लाइन की बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के डिफरेंस 180 आ रहा है, तो कौन कौन सी तीन रीडिंग करेक्ट होती हैं वो आप समझ लेना। तो एक न्यूमेरिकल तो ये आता है इसके ऊपर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कंफर्म कर दिया करो तुरंत के सर नहीं है डाउट, तो जो सर ठीक है। आगे आगे चलते हैं सर। ठीक, तो इसमें हमें अब ये वाला एक न्यूमेरिकल, ये जिसमें मैंने कहा था सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है आपका ये वाला। इस मेथड को समझने के लिए क्या करना है आपको, ये सब मत समझो या कंफ्यूज हो जाओगे। जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट डेफिनेशन और ये सब कैसे सोल्व किया हुआ है, हर बुक में ना सोल्व करने का थोड़ा सा मेथड तो वही है आपका सोल्व करने का, बस लिखने का तरीका उसको कि कैसे पहले क्या किया फिर बाद में क्या किया वो अलग है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, टेबल फॉर्म है ये, टेबल फॉर्म। ठीक है, आपको क्या गिवन होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल गिवन है क्लोज ट्रेवर्स, जिसमें आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालनी है विदाउट इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल नहीं निकालना है, बिना इंटीरियर एंगल के आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को करेक्ट करना है। ये आपका सेकंड मेथड है। आपको गिवन क्या है, आपको ये दोनों चीजें गिवन है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग। अब ये जो तीन टेबल है ये भी हमें बनाएंगे, लेकिन इसमें वैल्यूज थोड़ी रॉन्ग है। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो अब क्या करते हैं, मैं इसको पेंट में ले आता हूँ। एक चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर में या लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आपको क्या करना है, जो कीबोर्ड में विंडो बटन है और प्रिंट स्क्रीन है दबाना है। देखो एकदम से फ्लैश टाइप का कुछ होगा, देखो ये स्क्रीनशॉट हो गया है। अब ये मैं कहाँ ओपन करूँगा, अगर मैं इसे पेंट में जाके ओपन करूँ तो ये इमेजेस जो पिक्चर्स जो होती है, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है स्क्रीनशॉट का, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ये रहा। ठीक है, तो विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट स्क्रीन का। तो ये आपका था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू गलत है और हमें है ना कैलकुलेट करने के बाद ही ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ये जो आपके छोटे मोटे सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल और वर्ड हो गया, इनको बहुत काम है आपका बीटेक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए। तो इन पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल में कहा गया है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग गिवन है, और कोई एक स्टेशन या सारा स्टेशन या सारी रीडिंग लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, तो आपको करेक्ट फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालनी है विदाउट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसमें तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि 180 का डिफरेंस किस में आ रहा है। ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि मैं एक बार इसका सॉल्यूशन देख चुका हूँ, लेकिन आपको माइनस करके देखना होगा। अगर किसी को नहीं पता है कि डिग्री के बाद जो दूसरी वैल्यू है मिनट आती है, मिनट के बाद सेकंड आती है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें जो ये वाली वैल्यू है डी ई की वैल्यू है, ये डी ई की जो वैल्यू है ये आपका 180 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 180 का डिफरेंस आ रहा है तो करेक्ट वैल्यू कौन सी होगी,
एक तो ये वैल्यू करेक्ट होगी, एक ये वैल्यू करेक्ट होगी, एक ये वैल्यू करेक्ट होगी, ये तीन वैल्यू आपकी करेक्ट होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री है ना, तभी ये करेक्ट मानी जाएंगी। 330 डिग्री 15 मिनट करेक्ट है हमारी, ठीक है, तो 180 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये ट्रू वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि करेक्टेड फोर बेरिंग कितनी है हमारी, 330 डिग्री 15 मिनट, यानी ये सेम हमारी ठीक रहेगी है। और हमारी जो हमारी इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करेंगे बैक बेरिंग को, यानी कि 180 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 240 140 और 15 मिनट, यही आएगा, कैलकुलेट कर ही लेते हैं जल्दी से, 330 माइनस 180 ये आ गया 150 डिग्री 15 मिनट। तो करेक्ट वैल्यू बेरिंग की क्या आ गई, बैक बेरिंग की 150 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, आपको स्टार्ट वहां से करना है जहां हमारी करेक्ट बेरिंग है। और यहाँ पे करेक्शन कितना आया, यहाँ पे करेक्शन कितना आया, पॉजिटिव आया, किस पे, ए पर, ए पर पॉजिटिव आया, कितना आया इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री अगर इसमें हम ऐड करेंगे और 30 मिनट किस पे, एट ए स्टेशन। बहुत सिंपल है, देखो इंटीरियर एंगल से भी सिंपल है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस देखा, पता चला डीई में बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस 180, यानी कि फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब बी स्टेशन और ई स्टेशन फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है। ई से जब ए की ओर हम फोर बेरिंग लेंगे तो वो करेक्ट होगी, तो इसका मतलब बैक बेरिंग हमें कैलकुलेट कर लेनी है। तो बैक बेरिंग हमने कैसे निकाली, क्योंकि फोर बेरिंग में से 180 माइनस करेंगे तो बैक बेरिंग आ गई। और हमने यहाँ करेक्शन में लिख दिया कि हमने जो बैक बेरिंग है ई ए की, उसमें 2 डिग्री 30 मिनट ऐड किया है, तभी हमारा ये आ गया, करेक्शन हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना करेक्शन होगा, यहाँ पे 0 डिग्री करेक्शन होगा एट ई स्टेशन। तो यहां पर तो रीडिंग वही हो जाएगी 242 45 मिनट, और यहां पे 62 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, हमारे दो रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सी डी पर। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा, यहां पे मैं बताता हूं, जो डी स्टेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो डी स्टेशन से जो हमारी बैक बेरिंग ली गई होगी उसमें हमें कोई करेक्शन नहीं करना, बल्कि सी से डी पर जो लेके हमने फोर बेरिंग ली होगी उसमें करेक्शन करना है। ठीक है, दोबारा समझना है, कंफ्यूज हो जाओगे। डी ई में ई स्टेशन भी करेक्ट है और डी स्टेशन भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये है हमारा सी स्टेशन और ये है हमारा डी स्टेशन, ये है सी। डी से जो रीडिंग ली गई होगी वो करेक्ट होगी, पर सी से जो बैक बेरिंग ली गई होगी फोर बेरिंग वो इनकरेक्ट होगी। तो यानी कि हम इस 200 डिग्री 30 मिनट को करेक्ट मान लेते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगी 200 डिग्री 30 मिनट। और अब हमें चाहिए ये सी डी करेक्ट, तो इसमें से वह 180 माइनस कर देंगे तो बचेगा 20 डिग्री 30 मिनट, तो ये करेक्ट क्या हो गया, 20 डिग्री 30 मिनट, यानी कि इसमें से हमें माइनस कितना करना पड़ा है, 2 डिग्री। अगर हम इसमें से 20 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 45 नहीं, इसमें से अगर हम 2 डिग्री माइनस करते हैं तो 1 डिग्री 45 सेकंड इसमें से माइनस करना है हमें सी स्टेशन पे से एट सी। तो करेक्शन भी मिल गया, करेक्ट भी मिल गया। बी सी पे आओगे तो यहाँ पे अब ये नई चीज एक ध्यान रखनी है आपको, बी सी यानी कि ये वाली जो 222 डिग्री 30 मिनट है, ये जो आपने रीडिंग लिए कहाँ से लिए, सी से लिए बी की ओर, और सी पे करेक्शन कितना है, 1 माइनस 1 डिग्री 40, तो इसमें से भी 1 माइनस 1 डिग्री माइनस हो जाएगा, माइनस 1 डिग्री 45 मिनट
सारी कैलकुलेशन है, कुछ इसमें इतना बड़ा नहीं है। खुद ही सोचो आप कि अगर ये जो सी स्टेशन है, सी से डी की ओर ये एंगल है, कलर चेंज हो जाएगा, हाँ सी से डी की ओर ये एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, बाद में हमने करेक्शन कर दिया तो वो एंगल हो गया ये वाला, मान लो 1 डिग्री का इसमें करेक्शन आया, तो अब सी से अगर तो दूसरी रीडिंग जा रही होगी उसमें भी 1 डिग्री का करेक्शन आएगा ना, तो ये वाली रीडिंग 22 डिग्री 15 मिनट ये कहाँ से ली गई है, सी से ली गई है डी की ओर, और 222 30 डिग्री कहाँ से है, ये सी से ली गई है बी की ओर, तो सी पे अगर करेक्शन 1 डिग्री 45 मिनट का माइनस में आ रहा है, तो जब सी से बी की ओर लेंगे तो उसमें भी तो करेक्शन आएगा 1 डिग्री 45 मिनट, तो ये करेक्ट हो जाएगी, इसमें से 1 डिग्री हटाओ तो हो जाएगी 221 और इसमें 220 45, ये 220 डिग्री 45 मिनट हो जाएगी, ठीक है। बैक बेरिंग फॉर बेरिंग 180 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180, इसमें से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अब आते हैं हम ए बी में, ठीक है, आप देखोगे इसमें कि आपने जब यहाँ पे कुछ करेक्शन किया है तो वो करेक्शन यहाँ पर भी होगा, और रही बात ए की, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 150 डिग्री, ई ए ए पे जो एंगल है वो 150 डिग्री है बैक बेरिंग, ठीक है, तो फोर बेरिंग वहीं से हमें करेक्शन क्या मिल जाएगा, ये वाला करेक्शन। तो इस तरीके से आप सारी रीडिंग्स को करेक्ट कर लोगे। एक बार और मैं दोबारा बताता हूँ, फिर डाउट पूछता हूँ तुम लोगों से। तो देखो सेकंड वाले न्यूमेरिकल में फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट क्या है, आपको चेक करना है करेक्ट लाइन, करेक्ट बेरिंग या फिर करेक्ट लाइन और बेरिंग, कौन सी लाइन की दोनों बेरिंग करेक्ट हैं, वो कैसे पता चलेगा, 180 डिफरेंस, अगर 180 डिफरेंस किसी भी रीडिंग का नहीं आ रहा तो मिनी जिसका सबसे कम आ रहा है उसको हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। स्टेप टू, करेक्ट अगर रीडिंग हमारी आ गई हमें पता चल गया, तो उसके बाद जो थर्ड रीडिंग है करेक्ट उसके लेकर हम करेक्शन निकालेंगे दूसरी रीडिंग में, यानी कि मान लो फोर बेरिंग है हमारे पास और बैक बेरिंग है, हमें पता चल गया कि हमारी फोर बेरिंग करेक्ट है, ठीक है, बैक बेरिंग इनकरेक्ट है, तो 180 माइनस करके बैक बेरिंग भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये जो बैक बेरिंग जहाँ से ली गई है वहाँ पर भी करेक्शन आएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली और समझा देता हूँ दोबारा से, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका कोई स्टेशन है सी, ये है सी स्टेशन, यहां से एक लाइन जा रही है, ये जा रही है लाइन, इसका लाइन का नाम है ओ ए, और इस पे जो नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल है बेरिंग जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है, फोर बेरिंग, ठीक है, और ये यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है, ये है आपका डी स्टेशन, और इसकी जो बैक बेरिंग है वो ये है, ये है बैक बेरिंग, ठीक है, बैक बेरिंग कितनी होगी, बैक बेरिंग होगी 180 प्लस 30 यानी 210 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया, आपके पास एक लाइन है ओ ए जिसकी फोर बेरिंग है 230 डिग्री, फोर बेरिंग है 30 डिग्री और बैक बेरिंग है 210 डिग्री, ये मुझे बिल्कुल पता चल गया। हमें ये पता चला कि जो स्टेशन डी है उस पर जो लोकल अट्रैक्शन था वो था -1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री ज़्यादा इस पर वैल्यू आ रही है, तो अब इसकी करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी 209 डिग्री, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। अब ये 1 डिग्री इसका करेक्शन आया, अब ए से डी से ई की ओर जो लाइन जा रही होगी, डी से ई की ओर जो लाइन जा रही होगी, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये डी से ई की ओर जो लाइन जा रही होगी, ये लाइन डी से, तो इसका भी कोई एंगल होगा यहाँ पे, है ना, इसका एंगल मान लो 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री डी से ई की ओर जो फोर बेरिंग जा रही है वो 20 डिग्री है। आपको ये पता चला है स्टेशन डी पे 1 डिग्री का करेक्शन है,
यानी कि आपने बैक बेरिंग में 210 में से एक डिग्री माइनस किया, 209 डिग्री आ गया। तो अब डी से जो भी एंगल लिया जाएगा उसमें 1 डिग्री का करेक्शन आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब डी से ई की ओर जाएंगे तो 20 डिग्री जो हमारा इनकरेक्ट वैल्यू थी वो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 डिग्री, ठीक है। अगर एक स्टेशन पे कोई करेक्शन आता है तो उस स्टेशन से जितने भी एंगल मेजर करोगे वो करेक्शन सभी पे अप्लाई होगा, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वाला मेथड है उसमें स्टेप्स हैं एक्यूरेटली, मतलब ये स्टेप फॉलो करो, ये करो, ये करो, ये करो, पर जो सेकेंड स्टेप है वो ईजी है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है वो कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको। ठीक है, तो इसने कुछ वैल्यूज एक बार इसमें समझा देता हूँ। इस टेबल में डी ई करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो इस पे हमारा जीरो हो गया, क्या कहते हैं, करेक्शन। तो जो हमारे यहाँ पे फोर बेरिंग है वही हमने सेम यहाँ पर लिख दी, वही सेम हमने यहाँ पर लिख दी। अब आते हैं ई ए में, क्योंकि ई ए में ये करेक्शन करेक्टेड है, तीन तो चीज, तो ये यहाँ पे सेम एज यहाँ पे लिख दी हमने, यहाँ पे लिख दी सेम एज। अब इसमें से 180 डिग्री माइनस किया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा करेक्ट, कितना आ गया, 150 डिग्री 15 मिनट, यानी कि ये दोनों हमारी अब करेक्ट हो गई, और ये दोनों तो हमारी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा डी स्टेशन और ई स्टेशन करेक्ट है, तो हमारी ये वाली करेक्ट है रीडिंग, तो ये तो करेक्ट है ही, 180 माइनस किया तो ये करेक्ट हो गई, और इसमें करेक्शन कितना आया, इतना आया, तो हमारा ये रो भी करेक्ट हो गई। अब आते हैं बी सी में, क्योंकि हमारा सी डी पर ये स्टेशन सी से ली गई है 22 डिग्री 15 मिनट, इस पे करेक्शन था माइनस 1 डिग्री 45 मिनट, तो इन्होंने क्या किया है कि जो ये वाली रीडिंग है 222 डिग्री 30 मिनट, ये भी सी से लिया गया, मैंने कहा कि एक स्टेशन जितने भी एंगल होंगे सेम करेक्शन आएगा, तो सी से डी की ओर लिया गया हमें करेक्शन कितना है 1 डिग्री 45 मिनट, तो जब सी से बी की ओर ले जाएंगे 222 में भी करेक्शन होगा इतना, और माइनस करके देखो करेक्ट इन्होंने कर दिया ये। फिर इसमें से 180 माइनस किया तो ये 40 डिग्री आ गया। देखो यहाँ पे मैं इस सॉल्व प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा था, देखो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पे फोर बेरिंग कितनी है 30 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पे फोर बेरिंग कितनी है 40 डिग्री 45 मिनट, लगभग 10 डिग्री का करेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने करेक्शन क्या लिखा हुआ है 1 डिग्री 15 मिनट, यहाँ पे 10 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये गलती थी। तो हमने 220 डिग्री 45 मिनट में से माइनस 180 किया तो ये डिग्री आ गई, और हमने इस इन दोनों को माइनस किया तो ये करेक्शन आ गया, तो ये रो भी हमारी करेक्ट हो गई। अब ऊपर वाली रो में चलते हैं, जब बी सी में ये करेक्शन हो गया है 40 डिग्री आ गया है, इसमें 10 डिग्री ऐड हुआ है तो ये भी करेक्ट होगा, इसमें 10 डिग्री ऐड होगा, तो यहाँ पे ये गलती दी हुई है सॉल्व न्यूमेरिकल में, यहाँ पे 24 डिग्री समथिंग होगा, 23 डिग्री समथिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस करोगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से प्लस माइनस करना है और आपकी सारी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको कोई इसमें से डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। नहीं, सबको चेक करोगे, 180 तो सबका माइनस करके देखोगे ना किसमें 180 एग्जिट आ रहा है, पहले ए बी में माइनस करोगे, 180 चेक कर लिया है ना, इसी में अंडो करता हूँ, ये जैसे 180 चेक कर लिया था, डी वाले में हमारा 180 आया, मतलब इसका मतलब हमारा डी स्टेशन और ई स्टेशन इन पे जीरो एरर होंगे, मतलब इनसे जो मतलब अगर डी से भी कोई पॉइंट जा रहा है और ई से भी जा रहा है तो करेक्ट होगा, मतलब उस पे कोई एरर नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा। बट सर उसका जैसे ई है तो ई पॉइंट का हमारा फोर बेयरिंग मतलब सेम रहेगा, उस पे कोई करेक्शन नहीं होगा, बट ए वाले में कुछ समझ नहीं आया सर मुझे, ये 147 जो दिखाई दे रहा है आपको, जो ई स्टेशन है ये आपका ई स्टेशन है, इससे जो भी एंगल लोगे वो आपका करेक्ट है, और ये कितना एंगल लिया हुआ है 330 डिग्री, ये वाला नॉर्थ से, ठीक है। और यहाँ पे स्टेशन है हमारा ए, और ये ए पे एंगल कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल 147, ठीक है। दो बेरिंग एक पूरी सर्वे लाइन को करेक्ट अगर करना हो तो दोनों बेरिंग का डिफरेंस 180 आना चाहिए, और उनमें से एक करेक्ट है, 330 डिग्री 15 मिनट करेक्ट है ना, तो इसमें से और इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारा, 180 आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है 180, तो 180 लाने के लिए क्या करोगे, एग्जाम्पल देखो, 330 डिग्री तो रहेगा आपका,
15 मिनट माइनस 147 करोगे और इक्वल टू 180 आना चाहिए, तो 147 तो हमारे पास है, यानी कि इनकरेक्ट, इसकी जगह ले लो x की वैल्यू, तो आपको x निकालना है ना इसकी जगह पे, तो 180 इसमें से माइनस कर दोगे आप तो x निकल जाएगा, यानी कि करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, 150 डिग्री आ गई। अब 150 डिग्री और 147 को माइनस करोगे तो ये पता चलेगा कि इन दोनों में करेक्शन कितना आया है, ठीक है। दो बेरिंग में एक बेरिंग करेक्ट है तो दूसरी तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे आप, है ना। अगर ये वाला 30 डिग्री होता, दोबारा से बताता हूँ एक मिनट में, ये वाला अगर 30 डिग्री होता, केवल 30 डिग्री, 330 ना होकर 30 डिग्री होता, ठीक है, तो बैक बेरिंग कैसे निकालोगे, 180 प्लस करोगे ना इसमें, क्योंकि ये 180 से लेस है 30 डिग्री। अब क्योंकि 330 डिग्री 180 से ज्यादा है तो बैक बेरिंग कैसे निकाली, 180 माइनस किया। ये मान लो 147 आपको पता ही नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट है, तो इसकी क्या फायदा, आपको फोर बेरिंग पता है करेक्ट, तो बैक बेरिंग कैसे निकाली, 180 माइनस करके बैक बेरिंग आ गई हमारे पास करेक्ट। ये है, कोई भी दो रीडिंग है, मान लो ये वाली आपको पता है करेक्ट है, बैक बेरिंग पता है करेक्ट है, इसको भूल जाओ, फोर बेरिंग आपको कैसे निकालते हो, अगर बैक बेरिंग गिवन है 180 माइनस कर दो। ए बी में मान लो ये वाली करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसको भूल जाओ, ये जो भी वैल्यू है 13 डिग्री आपकी करेक्ट वैल्यू है, तो फोर बेरिंग कैसे निकालोगे, 180 प्लस कर दोगे, ये क्या हो जाएगी, 193 हो जाएगी डिग्री, फोर बेरिंग क्या आ जाएगी, 193 आ जाएगी, इस तरह से है ये, ठीक है। किसी और को कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ बताओ बताओ। क्योंकि यहाँ है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहे ना ए बी बी सी सी डी, इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना वो उस स्टेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से स्टेशन की बात कर रहे हैं, ई की, तो इसलिए ई में कोई करेक्शन नहीं, इसलिए उन्होंने 0 डिग्री लिख दिया। आप एक और कॉलम बना सकते हो इसमें क्या कैसे लिखते हो, स्टेशन ए, ठीक है, यहाँ पे कौन से स्टेशन की बात हो रही है, डी की, यहाँ पे कौन से स्टेशन की बात हो रही है, सी की, यहाँ पे कौन से स्टेशन की बात हो रही है, बी की, और यहाँ पे कौन से स्टेशन की बात हो रही है, ए की। ए पे यहाँ पे कितना करेक्शन आया था, इन दोनों को माइनस करके 2 डिग्री 30 मिनट, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये इसलिए। या तो आप एक कॉलम बना के ना हर दोनों कॉलम में दोनों स्टेशन ई का भी करेक्शन बता सकते हो, डी ए का भी बता सकते हो, लेकिन आप करके ऐसे ही चलो जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसी स्टेशन की बात हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो करेक्शन है वो बताना है, ठीक है। अच्छा मैं पूछने वाला था कि इस मेथड का क्या फ़ायदा है, कि हमें इंटीरियर एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कहाँ करेंगे इसको Use. देखो जो हमारा क्लोज ट्रेवर्स है उसमें तो हमें इजीली पता चल जाता है इंटीरियर एंगल कौन सा है, क्लोज ट्रेवर्स है इस तरह से, तो अंदर वाले एंगल जो होंगे वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये वाले एंगल ये हमें निकालने हैं। ओपन ट्रेवर्स में कंफ्यूजन हो जाती है इंटीरियर कौन सा एक्सटीरियर कौन सा एंगल को लेके चले हम, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये वाला बेस्ट है आपका ओपन ट्रेवर्स के लिए, ठीक है, इसमें इंटीरियर एंगल तो निकालना नहीं है, बेरिंग करेक्ट करते जानी है, लेकिन जो आपको एग्जांपल अभी गिवन है ये कौन सा है, ये है क्लोज ट्रेवर्स। लेकिन अगर आपको ओपन ट्रेवर्स का आ जाए तो वहां पर आपको इंटीरियर एंगल वाला मेथड लगाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये नहीं लिखा होगा कि इंटीरियर एंगल का मेथड है कि ये, वहां पे केवल आपको पहचानना है कि क्लोज है कि ओपन है। अगर क्लोज है तो आपके पास दो मेथड है, इंटीरियर एंगल विदाउट इंटीरियर एंगल, अगर आपके पास ओपन ट्रेवर्स है तो आप केवल ये वाला मेथड लगाओगे। और ओपन ट्रेवर्स का पता कैसे चलेगा कि लास्ट वाली जो वो है वो उसी पे खत्म नहीं होगी, जैसे ई ए पे खत्म हो रहा है, ये ई की जगह एफ होगा यहाँ पे और ये खत्म हो जाएगी रीडिंग, यानी कि ओपन ट्रेवर्स है, यानी कि हमें इंटीरियर एंगल वाला मेथड नहीं लगाना है। अगर क्लोज ट्रेवर्स है तो आप दोनों मेथड लगा सकते हो, जौन सा बेस्ट है बेस्ट हो। वैसे तो मेंशन नहीं होता, अगर मेंशन है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मेंशन किया हुआ है कि आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग करेक्ट वैल्यू भी निकालनी है और साथ में इंक्लूडेड एंगल भी निकालना है, तो वो न्यूमेरिकल 100% क्लोज ट्रेवर्स का होगा और आपको फर्स्ट मेथड यूज करना होगा। तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो यही आपका कंपास सर्वे है, कंपास सर्वे में फिर नेक्स्ट
टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ एरर इन कंपास सर्वे। ये सोर्सेज वही एरर्स हैं, देखो ये इनको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ में आ जाएंगे। एक कंपास है तो उसमें कौन कौन से एरर, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको मत पढ़ो, देखो क्या क्या हो सकता है। तो कंपास जो है उसमें कुछ खराबी हो सकती है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ठीक है। एक हो सकता है बाहर एक्सटर्नल की वजह से कोई, मतलब कोई इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक रेडियल इन्फ्लुएंस हो रही है, तो कोई एक एक्सटर्नल एरर हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। एक हो गया जो कंपास सर्वे से रीडिंग ले रहा है, जो स्टूडेंट है या सर्वेयर है वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से वो सही से देख नहीं पा रहा है, ठीक है, रीडिंग नहीं पढ़ पा रहा है, एक उसकी वजह से। तीन तरह के एरर हो गए। हर हो सकता है किसी और बुक में किसी और तरीके से लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, मैनिपुलेटिंग एंड साइटिंग एरर जो ह्यूमन एरर होता है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एरर। तीन तरह के एरर होते हैं आपके कंपास में। इंस्ट्रूमेंटल एरर में नीडल नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट, क्या होता है कभी कभी नीडल हमारी किसी वजह से बैंड हो जाती है, जैसे कि आपकी वॉच की नीडल बैंड हो जाती है ना, कब बैंड होती है, ऊपर ग्लास हट जाता है, किसी का हाथ लग जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है, बैंड हो जाती है। द पिवट पॉइंट बीइंग बैंड, जो पिवट पॉइंट है जो सेंटर में पॉइंट होता है वो बैंड है। नीडल थोड़ी बीइंग स्लज है, नीडल हैविंग लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, उसकी मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी वो कम हो गई है। पिवट पॉइंट बीइंग डल, नीडल आइदर मूविंग हॉरिजॉन्टल नॉर फ्रीली मूव नहीं है, वो ग्लास से चिपक गई है या तो नीचे ग्राउंड से चिपक गई है, फ्रीली मूव नहीं हो रही है, ठीक है। जो आपका वो रखा होता है ना एक ऐसे इस तरीके का साइटिंग करने के लिए, पोल को देखने के लिए उसमें बीच में थ्रेड होता है, ये करेक्ट नहीं है, अपनी पोजिशन से हिल गया है। जो थ्रेड है वो लूज है, थ्रेड थोड़ा ऐसे लूज हो रहा है, ऐसे बंधा हुआ है बीच में, हमें तो थ्रेड से कॉन्साइड करना होता है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एरर ड्यू टू मैनिपुलेटिंग। जो आपको देखा होगा एक स्टूडेंट तो कंपास को ट्राईपॉड पे लेके खड़ा हुआ है और दूसरा स्टूडेंट दूसरे पॉइंट पे एक रेंजिंग रोड लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक रोड लेके खड़ा हुआ है। अगर स्टूडेंट ने रोड को टेढ़ा पकड़ा हुआ है तो क्या होगा, वो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो एक तो ह्यूमन एरर होगा। एक हो गया इधर केयरलेसनेस इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, केयरलेस इन रीडिंग टू नीडल इन और ग्रेजुएट सर्कल, रॉन्ग डायरेक्शन, इनपरफेक्ट बाइक सेक्शन और रेंजिंग रोड, ये जो मैं अभी बता रहा था। इनएक्यूरेट लेवलिंग, वो जो बॉक्स है आपका कंपास का वो सीधा नहीं रखा है, बबल जो मैंने कहा था ना बबल से लेवलिंग करते हैं वो नहीं की है। ट्राईपॉड का एक लेग ज़्यादा ऊंचा, एक लेग नीचा, ये सब नहीं किया हुआ एक स्टूडेंट ने, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है ये। आपको पता है कि जब आपको किसी पॉइंट पे कंपास रखना है तो वहाँ ट्राईपॉड को सेंटरिंग करनी होगी, ट्राईपॉड के तीनों लेग इक्वली रखने होंगे, उसमें एडजस्टमेंट दिया होता है। अगर वो नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, वो जो सर्वे कर रहा है उसकी गलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल, जो मैंने कहा था कि अर्थक्वेक आया हुआ है, कोई इन्वायरमेंट में क्लाउड या स्ट्रॉमी डे है जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल आपकी वो हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन है। अच्छा ये पॉइंट मैं पढ़ाना भूल गया आपको कंपास में, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन में वाइज सेकुलर एनुअल एंड डायनुअल, इनकी डेफिनेशन आती है, ये पक्का मैं अगली क्लास में कराऊंगा। होता क्या है ना, साल में पूरे साल में जो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ना, वो साल में 6 महीने में अलग, 3 महीने में अलग, और ऐसे मंथली और एनुअली और सीजन वाइज चेंज होता रहता है। तो क्या है ये मैं बता दूंगा लास्ट नेक्स्ट क्लास में, फिर कंपास खत्म हो जाएगा। लोकल अट्रैक्शन ड्यू टू अप्रॉक्सिमिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक पोल। तो तीन तरह के एरर हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर अपनी तरफ से भी लिख सकते हो आप, एक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या एरर हो सकता है। नीडल टेढ़ी हो सकती है, पिवट पॉइंट टेढ़ा हो सकता है, जो आपके ग्रेजुएट सर्कल पर रीडिंग लिखी हुई है वो मिट सकती हैं, आपकी नीडल आपकी फ्रीली मूव नहीं है, वो ग्लास से चिपक गई है या आपके बेस से चिपक गई है, ये हो गया। ह्यूमन एरर क्या हो सकता है कि रेंजिंग रोड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेवलिंग स्ट्रेट नहीं है, ट्राईपॉड वो क्या कहते हैं बॉक्स स्ट्रेट नहीं है, रीडिंग सही से नहीं देख रहे हो, ये आपका ह्यूमन एरर हो गया। एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कि कोई इलेक्ट्रिक पोल या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, एटमोसफेयर ठीक नहीं है, ठीक है, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल सोर्स हैं। तो ये आपके हैं एरर इन कंपास। ये लिखा हुआ है प्रिक्वेशन टू टेकन इन कंपास सर्विंग, मैंने कहा था कि ये पीपीटी आप गूगल पे कंपास सर्विंग पीपीटी लिखोगे पहले ही गूगल पे सर्च मिल जाएगा आपको, ये मैं ऐसे ही बताया था उसको रीड ना करके। अगर आपको एक कंपास दिया जाए तो आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, उसमें एक लेवल का बटन होगा, लेवल आर्म, उसको जैसे ही प्रेस करोगे नीडल फ्रीली मूव हो जाएगी, जैसे ही अनप्रेस करोगे वो टाइट हो जाएगी, वो फ्रीली मूव नहीं होगी,
ठीक है, वो फ्रीली मूव करके आपको देख लेना है, वो फ्रीली कहीं टच तो नहीं हो रही है। जो थ्रेड है आपका कंपास का वो बिल्कुल स्ट्रेट है, रीडिंग आप सही से देख पा रहे हो, ठीक है, ये सब देख लेना है आपको। आपको ट्राइपॉड सही से लगा लेना है, आपको देख लेना है कि एटमोसफेयर कैसा है, ये सब आपको सावधानियाँ बरतनी है जब आप, और जब आप एक स्टेशन से ए से उठाओगे पूरा ट्राइपॉड और कंपास और बी पे जाओगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से देखनी है, क्योंकि जो आप एडजस्टमेंट करते हो टेम्परेरी होती है उस पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो सारी चीज़ें दोबारा से ठीक करनी होगी। तो ये था आपका कंपास सर्विंग, जिसमें एक चीज़ रह गई है, एक तो वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन रह गया, एक टॉपिक वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, है किसी का डाउट? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन होगा, जो थोड़ा सा पार्ट ऑफ थ्योरी का है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा लेवलिंग कंपास के बाद। लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रैक्टिकल ही है, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि लैब में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेवलिंग कंपास सर्वे जब आप अपने हाथ से कर लोगे इस चीज़ को, तो जैसे कि मैंने बताया ना टेम्परेरी एडजस्टमेंट एरर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास, ये जब स्टूडेंट लैब में जाता है ना पढ़ाने की जरूरत नहीं होती ना स्टूडेंट को याद करने की जरूरत होती है, लेकिन इस टाइम पे माहौल ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो आपको याद करनी होगी चीज़ें, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। कौन सा? अच्छा, ये दो न्यूमेरिकल है, दोनों सॉल्व कराऊंगे नेक्स्ट क्लास में, बताओ एक बार। अभी तो टाइम ओवर हो गया, ठीक है ना। और ये आपका जो है ना सबसे कम आपका सिलेबस सर्वेइंग का हुआ होगा, क्योंकि सर्वेइंग की फर्स्ट यूनिट जो है ना वो पूरी एक बुक के बराबर है, तो फर्स्ट यूनिट के बाद जो आपके सेकंड थर्ड वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो ठीक है, इस क्लास को लीव करते हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। हाँ बताओ, हेलो, कोई डाउट है बताओ? नो सर, डाउट नहीं है सर। ठीक है, ओके।